रिकॉर्ड हो। आज हम सीख रहे हैं टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे क्या होता है। देखिए किसी भी, बल्कि मैं कहूँगा टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एरे क्या है, अगर आपने वर्ड में टेबल देखा है, एक्सेल में वर्कशीट देखी है, तो जो उसकी बेसिक फॉर्म है वो एरे है। मतलब उसके बैकग्राउंड में एरे है, वो शक्ल जो बताया ना टेबल एंड रोज एंड कॉलम्स, वो असल प्रोग्रामिंग का एरे है। ठीक है, एरे क्या होता है, एरे हम ये कहते हैं कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल से मिलके बनता है, विच इज यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा। ठीक है, या मल्टी डेटा स्टोर मोर देन वन वैल्यूज ऑब्लिक डेटा अंडर सिंगल नेम। ठीक है, एरे क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल से मिलके बनेगा, और इसका जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है वो ये कि ये बहुत सारे डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, मल्टी डेटा को, और एक ही नाम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि एरे का, एरे मल्टी करता है तो सिंगल वैल्यू कौन स्टोर करता है, वेरिएबल, वेरिएबल वर्सेस एरे। तो भाई एरे और वेरिएबल में क्या फर्क है, देखें दोनों के काम सेम है, स्टोर डेटा, डेटा स्टोरिंग। ठीक है, दोनों का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, पर ये क्या करेगा, होल्ड वन वैल्यू एट अ टाइम। और एरे क्या करेगा, कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। सही है, अब इसको समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इंटीजर ए करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू 10 रख दी, अगली लाइन पे मैंने ए की वैल्यू 20 रख दी, अगली लाइन पे मैंने ए की वैल्यू क्या रख दी, 30 रख दी। सही है, तो अब ए की वैल्यू क्या है, लास्ट और इनिशियल और मिड, लेकिन एक वक्त में कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा है, अगर यहां पे रिजल्ट लेंगे तो 30 आएगी, अगर यहां पे आउटपुट लेंगे तो 20 आएगी, अगर यहां पे आउटपुट लेंगे तो, तीनों तो नहीं स्टोर हो सकते ना। इस मामले को हमें एरर, एरे जो है सेट कर देगा। ए ये एरे बताया आपने, इसके अंदर इसके मेंबर बताए और इसके अंदर उस मेंबर के दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और इसमें आपने वैल्यूज को स्टोर कर दिया 10, 20, 30 और 40। सही है, तो अब यहां पर ये एक वेरिएबल है कंसीडर किया जाएगा, और किस टाइप का वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा, और यहां पर ये क्या कंसीडर किया जाएगा, एरे, और किस टाइप का एरे कंसीडर किया जाएगा। सही है, मतलब जिस किस्म के वेरिएबल होंगे उसी किस्म का एरे बनेगा। मतलब अगर इंटीजर एरे है, वेरिएबल है, तो इंटीजर एरे, फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोट एरे, डबल वेरिएबल है तो डबल एरे। नहीं समझ में आ रही, क्यों नहीं आ रही भाई, देखे ना, अगर यहां पे अगर बात की जाए तो हमारे पास एक लिमिटेशन है ना वेरिएबल में, एक लिमिटेशन क्या है कि एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन वो लिमिटेशन एरे में खत्म हो गई। ये जो हमने लिखा ना इंटीजर ए 5, ए क्या है, ए एरे का नाम हो गया और 5 इसके मेंबर की तादाद हो गई। बेसिकली हुआ क्या, अगर हम इस बात को मेमोरी में जाके समझें हुआ क्या, तो आपको आप सही तरह समझ में आ जाएगी बात। देखें जब आप एरे बनाते हैं मेमोरी के अंदर तो क्या होता है, तो देखिए मेमोरी में कुछ इस तरह का काम होता है। जैसे हमने एक एरे बनाया किसके नाम का, फ्रूट्स के नाम का, तो मेमोरी में फ्रूट 0, फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3, फ्रूट 4, ये इस तरह से मेमोरी में ब्लॉक रिजर्व हुए जिनके नाम ये थे। इसमें 0 इसके पहले वाले मेंबर का नाम था, 1 इसके दूसरे मेंबर का नाम था, 2 इसके दूसरे मेंबर का नाम था, 3 इसका मेंबर का नाम था, 4 इसके 5वें नंबर का नाम था, और पहले मेंबर में हमने स्टोर कराया 200, फिर दूसरे में 1500, 400, 500। अब हमसे कहें फ्रूट्स की वैल्यू क्या है, तो फ्रूट्स की वैल्यू 2000 भी है, 1500 भी है, 400 भी है, 500 भी है, लेकिन 2000 इसके मेंबर 0 में है। अगर मैं इस एरे के टाइप लिख देता इंटीजर, तो हुआ असल में ये कि ये 5 इंटीजर वेरिएबल बन गए, कितने, और पांचों की जो लिमिट है वो इंटीजर वाली ही रहेगी, लेकिन उनको नाम हमने एक दे दिया फ्रूट्स। बात को समझ में आई,
तो यहां पर जरूरत पड़ती है हमें किसकी, एरे की। ये जो एरे मैं आपको बता रहा हूँ ये है सिंगल एरे, इसको हम लिस्ट एरे भी कहते हैं और वन डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। इसकी एडवांस फॉर्म होती है टू डायमेंशनल एरे, 2D एरे, जिसमें रोज एंड कॉलम दोनों होते हैं। इस एरे को आप या तो कॉलम में कंसीडर कर सकते हैं या फिर रोज में कंसीडर कर सकते हैं। ये कॉलम में कंसीडर हो रहा है, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो वो फिर ये कॉलम में कंसीडर होगा और ये रोज में कंसीडर हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको मेमोरी में देख सकते हैं कि ऐसा ब्लॉक बनता है। अब इसकी डिक्लेरेशन और इसकी जो प्रैक्टिकल है वो किस तरह करते हैं। यहां से हमने टर्बो सी का कंपाइलर खोला, न्यू लिया, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है एक इंटीजर मैन फंक्शन लिया, ये इसकी बॉडी को बंद किया, ये CLR SCR लगाया, यहां पर हमने लिखा गेट CH और यहां पे हमने लिखा रिटर्न 0। ये हमारा कोड को कंपाइल करके देखा, सक्सेस हो गया। अब कैसे डिक्लेयर करेंगे एक इंटीजर एरे। मैंने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया डेज के हिसाब से, ये एरे का नाम रख दिया, ये इसके मेंबर बताने। अब मेंबर की तादाद जितनी आप बताएंगे उसको कैसे बताना है, जैसे कि अगर आपको 8 मेंबर चाहिए तो आप 9 बताएंगे, 10 चाहिए तो आप 11 बताएंगे, मतलब एक प्लस पे रखेंगे एडिशनल और उसको यूज नहीं करेंगे। सपोज अभी हमने इसको 7 स्टोर कराने थे तो मैंने 8 बता दी इसकी तादाद, ठीक है। अब इसके 8 मेंबर बने, अब इसके पहले मेंबर का नाम क्या होगा, डैश 0, ऑलवेज फर्स्ट मेंबर कॉल 0, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यू, अगर मैं यहां सेमी कॉलर लगा दूंगा तो ये एक एरे तो बना, पर ये एरे की डिक्लेरेशन है, इसको हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। साथ साथ अगर इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करानी है तो इक्वल लगाया आगे और दो करली ब्रैकेट्स बनाए, सेमी कॉलर लगाया। अब कितने हमें इनके अंदर ऐड कराने, सपोज टू बी ये हमने इसमें कर दिया 100, सेकंड वाले में 200, 300, 400, 500 और 600 एंड 700, और एक को खाली छोड़ दिया, जिसको खाली छोड़ना उसके आगे कॉमा नहीं लगाना, सही है। तो इसके अंदर हमने 7 मेंबर में वैल्यूज को स्टोर करा दिया। अब किस मेंबर में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई इसका मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का काम लिया, स्टार्ट किया परसेंट डी, आपको पता ही है कि न्यू लाइन के लिए फॉर इंटीजर की वैल्यू को आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पहले एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग के आगे दो समझाने के लिए आपको, स्ट्रिंग के आगे यहाँ पे एक परसेंट डी लगाया, यहाँ पे हाँ 0 लिख देता हूँ, ये मैंने एक कॉन्स्टेंट प्रिंट कराया स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए रन हुआ हमारा कोड तो लिखा रहा है day 0। ये मैंने स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कराया आपको समझाने के लिए, कौन सा मैसेज प्रिंट कराया, स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कराया और कॉमा लगाया आगे, और यहां पे मैंने परसेंट डी लगाया। अब परसेंट डी लगा के, सॉरी परसेंट डी तो यहां लगाना है इसके आगे, यहां पे इसकी वैल्यू शो करनी है ना, यहां मैंने लगाया परसेंट डी और इसके बाद मैंने क्या किया, स्पेस दिया और कॉमा लगा के एरे की वैल्यू का आउटपुट कैसे लेंगे, डेज एरे का नाम और उसके कौन से मेंबर का आउटपुट लेना है, 0। तो यहां पे 0 लिख दिया, कंपाइल किया कोड को तो यहां पे देखिए क्या लिखा रहा है, डैश 0 में क्या है, समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब मैं यहां पे अगर 1 भी कर दूंगा तो वो आउटपुट किसका देगा, 0 का देगा 1 का देगा, 0 का। एक्सेलेंट, क्योंकि मैंने वहां नंबर चेंज किया है उसके आउटपुट को यहां से चेंज नहीं किया। अब 1 का लेना है आउटपुट तो यहां से 1 का लेंगे, तो यहां आप मेंबर में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, सही है, समझ में आ रही बात ये। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये सारों का आउटपुट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्टेटमेंट को कितनी बार कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी और यहां पे क्लिक करेंगे पेस्ट, ठीक है, पेस्ट हो गया यहां पे ये, और फिर यहां पे पेस्ट, फिर पेस्ट, ठीक है। मतलब पता ये चला कि हमें हर मेंबर के लिए एक दफा ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, चलें इतना सही है, बाकी तो आपको समझ में, फिर यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा। वैसे यहां पे चेंज करने से उसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सेम आ रहा है, लेकिन क्या है कि आपको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, बार बार इसके आउटपुट को स्ट्रिंग मैसेज को चेंज करना पड़ा है। देखें यहाँ पे दो चीजें, ये सारा कहलाएगा कॉन्स्टेंट, ये नंबर कॉन्स्टेंट है, ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, और ये कहलाएंगे एरेज, के एरेज की वैल्यूज हैं, और ये एरे के मेंबर के मैंने नाम लिख रखे हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो इसमें मुगालता नहीं कर लेना कहीं, सही है, समझ में आती, ठीक है।
तो ये अभी हमने क्या सीखा, एरे को डिक्लेयर करना सीखा, एरे को इनिशियलाइज कराना सीखा और एरे का आउटपुट बनाना सीखा। अब याद होगा आपको कल हमने 2 दिन पहले लूप सीखा था, फॉर लूप, तो उसको मैंने आपको ऐसी सीरीज के साथ करके बता दिया था। अब उस काम को हम इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। कैसे, मैंने इसको यहाँ पे खत्म कर दिया और यहाँ पे एरेस को रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फोर का लूप बना दिया और उस लूप की कंडीशन के अंदर, कंडीशन नहीं बल्कि उसके बॉडी के अंदर मैंने इस स्टेटमेंट को डाल दिया। अब मैं पूरा एरे रीड करवा लूंगा, देखें कैसे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से होगा 0, और x लेस देन इक्वल टू कहाँ तक रीड कराने मुझे इसके 1 2 3 4 5 6 7, तो लेस देन इक्वल टू 0 7, और यहां पर मैं लिखूंगा x प्लस प्लस, तो वह एक एक को रीड करेगा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा होशियारी कि यहां पर भी इसको भी मैं वेरिएबल में डाल दूंगा x, और इसको भी मैं वेरिएबल में डाल दूंगा x। यहां पर एक x की वैल्यू प्रिंट होगी और यहां पे मैं x को अलग से भी आउट करा लूंगा। इस x को पॉइंट करेगा ये फर्स्ट टाइम में 0, और इस x को पॉइंट करेगा ये। कंपाइल, एरर आ गया, फंक्शन कॉल मिसिंग, यहां एक कॉमा लगेगा। ठीक है, तो अब नोट कीजिए, एक न्यू लाइन लगा दूं, ये पूरा एरे रीड हो गया आपका। आउटपुट गलत नहीं आया, ये नहीं देख रहे। ठीक है, क्यों गलत आ गया ये वाला, तो x इसको पॉइंट कर रहा था। ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर आ रहा है, सबमिट x आ गया। अरे परसेंट d लगा रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब समझ में आ गई बात ये। तो पहले वाला x इसलिए लगाया कि x की खुद की वैल्यू का मैंने आउटपुट लिया यहाँ पे ना, x की वैल्यू का आउटपुट लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 तक गया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7 कर दिया, बल्कि इसको हम 6 कर देते हैं, एक पॉइंट कम कर देते हैं। अच्छा, दूसरा क्या किया, x के साथ जो डेज का एरे था, डेज के एरे में अगर मैं यहाँ 0 लिखता तो ऑलवेज वो हर दफा 0 की वैल्यू, यानी कि 0 मेंबर की वैल्यू को आउट कर देता। तो भाई अब 0 के बाद क्या आएगा, 1 1 के बाद 2 2 के, वो x खोरा है ना चेंज, तो x को इसके अंदर वेरिएबल के तौर पर डाल दिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली डायनामिक हो गया और पूरा एरे आपका रीड हो गया। सही है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह आपने पूरा एरे रीड कर लिया। अब एरे को रिवर्स कैसे करेंगे, रिवर्सिंग भी आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे 0 पे, इसको करेंगे ग्रेटर देन पे, और इसको क्या करेंगे 0, और इसको क्या करेंगे माइनस, कंपाइल करेंगे कोड को, रन कर देंगे, रिवर्स हो गया एरे। ठीक है, अब ये आपने सीख लिया एरे को डिक्लेयर करना, खुद से एनालिसिस करना और एरे को रीड करवाना प्रिंट एफ से भी, और आपने सीखा लूप के जरिए भी। अब एरे का इनपुट भी ले लेंगे हम, कैसे लेंगे देखिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे थे, हम एरे को वैल्यू असाइन ही नहीं करेंगे। मैं ये कोड डिलीट कर रहा हूँ, फिर ये वीडियो से देख के करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कर लेंगे, बाकी पीछे वाले भी तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये ऐसे डिलीट कर रहा हूँ इसको, और फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गई इसकी। अब डिक्लेरेशन के बाद अब इनपुट लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और वेरिएबल 4 का कंडीशन बनाएंगे और उसके अंदर उसको डाल देंगे, और उसके बाद क्या कहेंगे इंटीजर y कर देते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 6 कर देंगे, 6 एलिमेंट में 7 एलिमेंट में इनपुट लेना है और y प्लस प्लस कर देंगे। अब इनपुट के लिए हम क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे इंटर d d, और उसके आगे एक लगाएंगे परसेंट d, और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और ठीक है इंटर d 0 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू का कहाँ पे, यहाँ पे x की वैल्यू का आउटपुट करेंगे। ठीक है, इनपुट लेने के लिए scanf लिखेंगे और उसके बाद डैश वाले एरे का नाम लिखेंगे, scanf परसेंट d लगाएंगे जो फॉर्मेट है उसका, और इनपुट लेने के लिए एम्परसेंट साइन के साथ साथ एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया हमने। यहाँ पर हम लिखेंगे डेज एरे का नाम और उसके अंदर डाल देंगे दोबारा से x को। ठीक है, स्क्वायर के अंदर इसको x को डाल देंगे, ये डायनेमिक हो गया, एरर आ गया अनडिफाइनेबल सिंबल x, ये y है सॉरी, उसको ऊपर क्या डिक्लेयर किया हमने 4 के लूप के साथ y किया है, तो इसलिए यहाँ पे y करना पड़ेगा। चलें जी, पहले ये इनपुट ले लेगा 500 340, ये हमने इनपुट दिया एरे का और ये उसका आउटपुट आ गया। सही है, इनपुट असेंडिंग ऑर्डर में, आउटपुट लेकिन बिल्कुल मेंबर टू मेंबर मैच हो रहा है। इस तरह से आप एरे को रीड करते हैं और राइट करते हैं, इनपुट लेते हैं, सारे काम कर रहे होते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो प्रोग्रामिंग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर फिक्स होगी। F07। ठीक है।